हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। माय सेल्फ संजय राठी। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव में हम कवर करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, राइट। और पहले हम समझेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब एट हाई फ्रिक्वेंसी। ये सब क्वेश्चन इसरो में आए हुए हैं, इसीलिए ये वीडियो इसरो 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है माइक्रोवेव, यह आपका सिक्स्थ वीडियो है ऑन माइक्रोवेव, राइट। इससे पहले आपने 5 वीडियो जरूर देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और मोटिवेटेड रहें और आपके लिए और वीडियोज लेकर आते रहें, ओके। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एंड रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं हम। द माई सेल्फ संजय राठी, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ESE, GATE, PSUs, एंड आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 टाइम्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। तो चलिए इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, राइट। अब एक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, मेरी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑन अनअकैडमी प्लस, जिसकी डिटेल यहां है। आप अपने लैपटॉप पर अनअकैडमी प्लस ओपन कीजिए, वहां आप सर्च में डालिए कोर्सेज बाय संजय राठी, तो आपको दिखाई देगा अभी स्टार्ट हो रहा है कोर्स ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रू कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। तो मैं पूरा जो आपको समझाने वाला हूं, ये रेगुलर कोर्स है, राइट, फॉर 2021। जो भी आपके दोस्त या आपके जूनियर्स 2021 के लिए, या आप भी पूरे साल अपना एक कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, तो रेगुलर कोर्स जरूर अटेंड कीजिए, राइट। तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th जनवरी, ध्यान रखिएगा दैट इज ऑन अ गेट सब्सक्रिप्शन, ये आपको लेना होगा गेट सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, ये पेड कोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है नेटवर्क सर्किट थ्योरी थ्रू न्यूमेरिकल्स, यहां हम लोग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, राइट, फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। डिजिटल में भी हम बनाएंगे फ्रॉम मॉरिस मनो एंड फ्लॉयड एंड आरपी जैन, और इसमें भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे वेन वेल्केनबर्ग, साडिकू, हेट, सुधाकर एंड श्याम मोहन, राइट, और भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक हम सॉल्व करेंगे, ताकि अगले साल हमें किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। कैप्सूल कोर्स और ये जो कोर्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म है, ये उनके लिए जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। अब आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल देखते ही आपको अप्रोच समझ नहीं आती कि कैसे सॉल्व करना है, तो कोर्स आपके लिए है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। पूरा डेप्थ में होने वाली है क्लासेस, राइट, और नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 15th जनवरी से, राइट। 7:30 बजे इसकी क्लास है, 7:30 PM, और जो डिजिटल की क्लास है वो 6 to 7 PM है। नेटवर्क की क्लास रोज 1.5 घंटे होगी और डिजिटल की क्लास होगी 1 घंटे, लेकिन याद रखिएगा ये अवेलेबल है ऑन ESE सब्सक्रिप्शन पर, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा फिर इसके लिए सब्सक्राइब कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा ESE सब्सक्रिप्शन लीजिए या गेट सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस, फी स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम है। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेंगे तो 25,000, और अगर 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो 40,000 रुपीज। और कोड यूज कीजिए राठी लाइव, तो ये फीस हो जाएगी 22,500 और ये फी हो जाएगी 36,000 रुपीज, राइट। अब आप देखेंगे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, तो फिर मैं दो इनकी ही बात क्यों कर रहा हूं। अगर आप देखें तो ESE और गेट की प्रिपरेशन में 1 ईयर लग जाते हैं, YouTube में भी वीडियो आ रहा है, स्पेशल क्लासेस है, ये सब फ्री है, ये पेड कोर्स है, ताकि आप तीनों पॉइंट पर अच्छे से हमारा यूटिलाइजेशन कर सको, हमसे अच्छा नॉलेज ले सको। देखो रोज डेमो क्लासेस देख रहे हो, माइक्रोवेव की क्लासेस आप देख रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हुई है, तभी तो आप रेगुलर देख रहे हो हमारे वीडियो। जितना ज्यादा आप हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे, कम से कम पर डे 4 से 5 घंटे क्लास होनी चाहिए, इतनी तो हमारी ऑफलाइन में भी होती थी, तो 2 घंटे यूट्यूब में, 2 घंटे स्पेशल क्लास, और 1 से 2 घंटे आप इस पे अगर आते हैं तो आपका कोर्स ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने में खत्म हो जाएगा,
राइट, जो आप 2021 के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा। और अगर आप हर महीने सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करवाते जाएंगे तो फिर ये बहुत ही कॉस्टली होने वाला है, क्योंकि 5000 रुपी फीस है फॉर वन मंथ, तो 12 महीने की हो जाती है आपकी 60000 रुपए, राइट, हर महीने अगर रिन्यूअल कराते हो, और 24 महीने के लिए हो जाएगी 1,20,000 रुपए। तो वन टाइम आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी सबसे खास बात है, चाहे वो ESE हो चाहे वो गेट हो, दोनों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है सेम है। जबकि आपको भी पता है ESE का जो कोर्स है ना, 2 से 3 गुना है एज कंपेयर टू गेट। जनरल स्टडीज भी होगा, मैथ्स भी है, एप्टीट्यूड भी है, फी कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, गेट और ESE की अभी फीस एक जैसी है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको गेट लेना है या ESE लेना है। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, राइट। और कोड यूज कीजिएगा जरूर राठी लाइव, यह है फी स्ट्रक्चर। मोबाइल पर देख रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, वहां आपको दिखेगा गेट और ESE सब्सक्रिप्शन। मैंने जैसा पहले बताया, ESE करोगे तो पूरी गेट की तैयारी हो जाएगी, गेट में लेकिन ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे। फी स्ट्रक्चर अभी दोनों का सेम है। कोड जरूर यूज कीजिएगा जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज, वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। यूट्यूब पे कौन से वीडियोस आ रहे हैं, क्लासेस कौन कौन सी चल रही है, ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो भी आप अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज पर या मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपने एक कोड यूज किया, उसके बाद आप रेगुलर क्लास अटेंड करना चालू कीजिए, डाउट क्लियरिंग सेशन में भाग लीजिए, अपने डाउट्स हमें दीजिए और साल भर इंटरेक्शन में रहिए हमारे साथ, तो देखिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, माइक्रोवेव इसरो 2020 के लिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप फास्ट मोड में जो 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 से 6 वीडियो, आप उन्हें पहले देख लीजिए, और साथ में आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लीजिए जो अनअकैडमी प्लस पर फ्री में अवेलेबल है। ये सब आप क्लासेस कीजिए, साथ में हमारा अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां मेरे पूरे नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ के। कल ही 10 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, मैंने उन्हें नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां पर जाइए, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का वहां पर लिखा हुआ है, वहां आप भेजिए अपनी रिक्वेस्ट, हम आपको वापस पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। माइक्रोवेव 2 दिन में आप पढ़ लीजिए फटाफट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और डेप्थ में नहीं जाना है, सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं थ्योरिटिकल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो फास्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बिना टाइम गवाए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव ट्यूब्स के बारे में। माइक्रोवेव ट्यूब्स जो है वो ये हैं, क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, राइट। याद रखिएगा 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर है, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर है। एम्पलीफायर मतलब जो सिग्नल जो आएगा उसे एम्पलीफाई करता है, और ऑसिलेटर का मतलब है देयर इज अ आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। तो ये ऑसिलेटर है, ये जनरेटर है, राइट। देन BWO दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, राइट, वो ऑसिलेटर है। TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ये एम्पलीफायर है। ये देखो ये भी क्वेश्चन आया है इसरो में कि कौन कौन से एम्पलीफायर है, कौन से ऑसिलेटर है, तो ध्यान रखिएगा TWT इज एन एम्पलीफायर, BWO एक ऑसिलेटर है, मैग्नेट्रॉन एक ऑसिलेटर है। ध्यान रखिएगा मैग्नेट्रॉन क्या है, एक ऑसिलेटर है, ओके। और ये है साइक्लोट्रॉन, ये भी एक ऑसिलेटर। ये पूरा इन दोनों का कंसेप्ट जो है एक दूसरे पर बेस्ड है, राइट। दीज टू आर क्रॉस फील्ड डिवाइस। क्रॉस फील्ड डिवाइस का मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेट्रॉन पर ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। ये क्रॉस फील्ड डिवाइस है और ये लीनियर बीम ट्यूब है, राइट, ये लीनियर बीम ट्यूब है। और तो फिर TWO BWO 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, क्या वो क्यों बनाना पड़ा, ये सब हमें समझना है। तो हम फटाफट देखते हैं क्या है। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन कि भाई इन सब को बनाने की क्या जरूरत थी। ये देखिए ये बेसिक क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी, ये वो सब नया नया बनाने की क्या जरूरत है। जरूरत क्या है, तो जो पहले से हमारे पास अवेलेबल था क्या वो किसी काम के नहीं थे। जो कन्वेंशनल ट्यूब है ना, पेंटोड था, ट्रायोड था, बहुत पहले यूज हुआ करते थे पेंटोड एंड व्हाट ट्रायोड। ट्रायोड तो आपने नाम भी सुना होगा मॉस्फेट में। मॉस्फेट में एक रीजन का नाम है, 3 रीजन होते हैं ना, ट्रायोड, सेचुरेशन एंड व्हाट कट ऑफ,
तो वहां ट्रायोड जो नॉर्म है ना वो हिस्टोरिकल, उसको याद रखने के लिए दिया हुआ है। तो पहले कभी यूज हुआ करते थे ट्रायोड एंड पेंटोड, तो वो सब ट्यूब्स माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर क्यों यूज नहीं हो सकते, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्यों यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज। तो कौन कौन सी है कन्वेंशनल ट्यूब्स, ध्यान रखिएगा कन्वेंशनल ट्यूब्स हैं ट्रायोड एंड पेंटोड्स, राइट। ट्रायोड मतलब आप सिंपल सा, ये कैथोड एनोड ऐसा, ये और ये एक सर्कल, ये पूरा एक वैक्यूम में एक ग्लास का बना हुआ पैक्ड है, और यहां आपने देखा ये यहां हम सप्लाई लगाते हैं, राइट। ये नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, आप उल्टा भी कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है उसमें। ये यहां हमने डीसी वोल्टेज लगाया, ये है कैथोड और ये है एनोड और ये है गेट टर्मिनल जिसका काम है कंट्रोल करना, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम कैथोड और कलेक्ट हो जाता है एनोड, दैट इज द ट्रायोड। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर यूज नहीं हो सकता, तो फटाफट पॉइंट देखिएगा, डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। पहला है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, राइट, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। दूसरा है लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। तीसरा है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। तो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में बाकी सब चीजें आपको बताऊंगा, राइट। तो जब हम देखते हैं, ये है वैक्यूम ट्यूब, यस, ये हमने सप्लाई लगा दी और ये है गेट टर्मिनल। तो देखिए यहां देखो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल से यहां से मूव करता है तो यहां से यहां तक जो जाने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम, और इन दोनों के बीच का जो गैप है लेट वो डी है और ये है वी नॉट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है क्यू, तो क्यू वी नॉट दैट इज द पोटेंशियल है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, वेयर वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और यहां मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू व्हाट पॉजिटिव प्लेट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू टू क्यू बाई एम वी नॉट रूट ओवर दिस। अब आपको Q पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 कूलम, और M आपको पता है व्हाट इज द M 9.1 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 31 kg, यह इलेक्ट्रॉन का मास एनजीआर। तो आप उससे आप V नॉट निकाल सकते हो, V नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल में लिखा हुआ है, और V नॉट इज द अप्लाइड वोल्टेज डीसी वोल्टेज, राइट। कंसेप्ट क्या है ध्यान देना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आखिर जब आपका सिग्नल यहां आएगा, तो सिग्नल अगर ऐसा आया है, ध्यान दीजिएगा ये सिग्नल है, और जब बाहर आ रहा है तो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका मतलब इसका पावर बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई। तो इसके पास एनर्जी आखिर कहां से आई, एनर्जी कहां से आई, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना कि एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तब हम आरएफ सिग्नल यहां लगाने से पहले हम एक डीसी सप्लाई देते हैं, राइट। अब डीसी में एनर्जी है, तो वो आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी नॉट, उसने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब ये जो एनर्जी थी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो दिस एनर्जी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा बाय वेलोसिटी वी नॉट। अब हम क्या करेंगे, कंसेप्ट में समझा रहा हूं कि इसमें कंसेप्ट क्या होता है। अब हम करेंगे आरएफ सिग्नल, जो आपका आरएफ सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दो सिग्नल होते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्लो, और ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो फास्ट है। बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एग्जाम बिल्कुल पास में है। ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, राइट। तो अब क्या करेंगे,
जो हमारे पास डीसी में एनर्जी अवेलेबल है उससे पहले आप कन्वर्ट कर दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसके बाद आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन करवा दो। किसका इंटरैक्शन करवा दो? इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आरएफ सिग्नल, राइट, इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आरएफ सिग्नल, दोनों का आप इंटरैक्शन करवा दो। जैसे ही आप इंटरैक्शन करवाओगे तो दो बातें हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, या तो आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ा देगा, मतलब उसे एक्सेलरेट कर देगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। दो केसेस हो गए, पहला केस है एक्सेलरेट कर देगा, कौन करेगा भाई, आरएफ सिग्नल एक्सेलरेट कर देगा। अगर आरएफ सिग्नल ने एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी आरएफ सिग्नल से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो गई, आरएफ सिग्नल से कहां ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी। तो देखिए, आपने अगर आरएफ सिग्नल ऐसा दिया था तो जब बाहर निकलेगा ना तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब बताइए, ये चाहते थे क्या आप, तो सिग्नल गेट अटेन्यूएटेड, एम्पलीफाई होने की बजाय अटेन्यूएट हो गया, तब आपको क्या करना होगा, सेकेंड केस देखिए जो हमारे लिए फेवरेबल है, राइट, फेवरेबल क्या है, अगर वो इसे रिटार्ड करता है, रिटार्ड, तो जैसे रिटार्ड करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो गई, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू व्हाट, आरएफ सिग्नल। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होने वाला है भाई, ये आपका सिग्नल था और जब बाहर निकलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, सिग्नल गेट व्हाट, एम्पलीफाइड, राइट, एंड दैट इज द कंसेप्ट, ओके। तो क्या है कंसेप्ट, पहले जो डीसी वोल्टेज अवेलेबल है, मतलब डीसी के फॉर्म में जो एनर्जी अवेलेबल है उसको पहले कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर लगाया जाता है हीटर, हीटर गर्म होता है, राइट, तो उसके साथ लगी होती है इलेक्ट्रॉन गन और वो इलेक्ट्रॉन सेंड करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद दिस वेलोसिटी, राइट। उसके बाद यहां एक आपने कैविटी रेजोनेटर बनाया हुआ है, इट इज अ रेजोनेटर, रेजोनेटर, राइट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इसके अंदर आता है आरएफ सिग्नल, ये आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्ट करता है और इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करता है, रिटार्ड नॉट एक्सिलरेट, ताकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो, काइनेटिक एनर्जी कम हो और ये काइनेटिक एनर्जी आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाए, और अगर आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हुई, आरएफ सिग्नल गेट एम्पलीफाइड, एंड दैट इज द कंसेप्ट। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा, इतना समझना, ये आता है क्वेश्चन कि भाई एनर्जी आखिर कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा जरा, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था एंड सो ऑन। तो देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ना बड़ी अजीब अजीब सी प्रॉब्लम होती है, वो हमें समझना है। देखो, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था, डी, तो यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां है पॉजिटिव चार्ज, यहां, तो सब के बीच में आप देखेंगे जरा, राइट, क्या डेवलप हो गया, एक कैपेसिटेंस डेवलप हो गया, क्या डेवलप होगा, यहां एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा जिसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। ये आपको, मेरे होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, ओके, सॉरी मैं एडजस्ट अभी से लेता हूं मैं क्लास को। अब आप देखिए, जब आपने एक बनाई ट्यूब, यहां ये प्लेट, अब इनके बीच में यहां एक कैपेसिटर डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये गेट टर्मिनल है, ये कैथोड है, तो मैं इसे नाम दे देता हूं सीजीसी, ये एनोड है, तो यहां भी एक कैपेसिटेंस आ गया, इसको हम नाम दे सकते हैं सीजीए, और यहां भी एक कैपेसिटर डेवलप हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं सीसीए, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। तो क्या प्रॉब्लम है,
इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस जेड सी होता है 1/2πfc। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, जेड सी कम होता जाएगा। जेड सी कम हो रहा है मतलब कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट। और जैसे ही आपका ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यहीं से हम आउटपुट लेते हैं, राइट, एसी आउटपुट। तो जैसे ये शॉर्ट होगा तो आउटपुट भी डिक्रीज करने लगेगा, तो वी नॉट डिक्रीजेस, मतलब जो यूजफुल आउट है वो डिक्रीज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड शंटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द नेम, शंटिंग इफेक्ट। तो ये है शंटिंग इफेक्ट, सीधा सीधा। तो आपका इससे बोला जाता है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। हाई फ्रीक्वेंसी पर ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल हो जाता है, और जबकि लो फ्रीक्वेंसी पर यही कैपेसिटर, जैसे ही आप लो करोगे जेड सी हाई हो जाएगा। इन अ लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर एक्ट एज व्हाट, ओपन सर्किट। तो प्रॉब्लम खत्म, राइट, एंड दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके सामने डायग्राम है। देन सेकेंड हम लोग देखते हैं, फिर आ गई बात, ये है राइट यहां। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी लीड होती है ना, सब में एक इंडक्टेंस होता है। ये हो गया आपका LC, ये हो गया LA, ये हो गया LG, मतलब आपका कैथोड एनोड एंड व्हाट, गेट। अभी आप बोलोगे पहले तो कंसीडर नहीं किया गया, यस, व्हाट इज द इंडक्टेंस, ZL इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा L, और दैट इज 2πfL। मैं मॉड की बात कर रहा हूं, यस। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ZL बढ़ेगी, और ZL बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप बढ़ने लग जाएगा, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, और लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको जो आउटपुट चाहिए बाहर, वो आउटपुट उसमें आने की बजाय किसके अक्रॉस लॉस होने लग जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस लॉस होने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। तीसरा पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहां से यहां तो इसे कुछ टाइम लगता है, यह है डिस्टेंस डी, तो वो जो टाइम होता है डी बाई वी नॉट। वॉट इज द डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, और वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने निकाला था, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिट टाइम। दैट टाइम इज व्हाट, ट्रांजिट टाइम। और ये ट्रांजिट टाइम बहुत, जैसे जैसे आप, ये जो ट्रांजिट टाइम होना चाहिए ना, ये जो जिस सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर रहे हो, ये सिग्नल आ रहा है, इसे इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी इज इक्वल टू 1/f, तो अगर आपको यूजफुल गेन चाहिए तो ये जो ट्रांजिट टाइम है ना, दैट ट्रांजिट टाइम शुड बी नियरली इक्वल टू टी, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए ट्रांजिट टाइम और टाइम पीरियड, करीब मतलब जैसे दोनों सेकेंड्स में तो सेकेंड्स में होना चाहिए, मिली सेकेंड्स में तो मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, दोनों माइक्रो में है तो माइक्रो में होना चाहिए, तभी आपको यूजफुल गेन मिलेगा। अब क्या प्रॉब्लम हुई, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी बहुत ज्यादा, जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई टाइम पीरियड कम हो गया, ट्रांजिट टाइम वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आप ट्रांजिट टाइम को एक लिमिट से ज्यादा कम कर नहीं सकते, क्योंकि आप इस डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, या वी नॉट को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब ट्रांजिट टाइम क्या हो गया, ये कम हो गया, तो ग्रेटर देन क्या हो गया, टी हो गया, राइट, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो टाइम पीरियड कम हो गया, ट्रांजिट टाइम वहीं का वहीं है, तो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव टर्म में ट्रांजिट टाइम ज्यादा आ गया, राइट, और इसको आप कम नहीं कर सकते, तो खत्म हो गई बात। तो ट्रांजिट टाइम एक्ट एज अ किलर फॉर व्हाट, कन्वेंशनल ट्यूब एट हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत डिटेल टॉपिक है लेकिन चलेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तीसरा इफेक्ट है ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, ये ज्यादा हो गया, कम नहीं हुआ, ये ज्यादा था हाई फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए आप कन्वेंशनल ट्यूब को यूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये तीन इफेक्ट है इंपॉर्टेंट। चौथा है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो जो आपकी जो पेंटोड और ट्रायोड है ना, उसमें देखो हाई फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, लार्ज बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ इज वेरी वेरी हाई, लेकिन आप कहां से लोगे, इसका तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अब आप बैंडविड्थ बढ़ाओगे तो गेन कम हो जाएगा, गेन बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज वेरी लिमिटेड, इसीलिए आप इसको भी यूज नहीं कर सकते एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। दूसरा इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस। आरएफ लॉस मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉसेस क्या होता है, स्किन इफेक्ट। आप स्किन डेप्थ पढ़ते हैं, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द स्किन डेप्थ, राइट, आप भी बता सकते हो फॉर्मूला, 1/√πfμσ, दैट इज द स्किन डेप्थ। ये भी इसरो में क्वेश्चन आया था, ये एमटी का पार्ट है, राइट।
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है लैम्डा कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लैम्डा क्या होगा कम होगा, राइट, एरिया कम होगा, इफेक्टिव एरिया कम होगा, इफेक्टिव एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ता चला जाएगा, राइट right? ध्यान दीजिएगा क्योंकि आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो एरिया इफेक्टिव एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ता जाता है, दैट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। और डिटेल पढ़ना है तो आप बाद में देख सकते हो ईएमएफटी में। दूसरा है ये एक क्वेश्चन हो गया, फिर कौन सा इफेक्ट है रेडिएशन लॉसेस। रेडिएशन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, और जैसे ही वेवलेंथ साइज ऑफ कंडक्टर के कंपेरेबल होती है वैसे ही वहां से कंडक्टर क्या करने लगता है रेडिएट करने लगता है पावर आउटपुट। आपने पढ़ा है ना डायपोल एंटीना हाफ एंड क्वार्टर वेवलेंथ डायपोल एंटीना, ये सब जो है इनकी सबकी साइज क्या हो जाती है, साइज आपकी लैम्डा के बराबर हो जाती है, और जैसी लैम्डा के बराबर होगी यहां से रेडिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी लॉसेस हैं। फिर लास्ट है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी बहुत बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें लीकेज होने लगता है, उसके अंदर लॉसेस होने लग जाते हैं, इसीलिए इन सब लिमिटेशन के कारण हम हाई फ्रीक्वेंसी पर इन कन्वेंशनल ट्यूब्स को यूज नहीं कर सकते, ट्रायोड एंड पेंटोड्स को हम यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसरो में आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब तो ट्रांजिट टाइम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्या है क्लिस्ट्रॉन, आज हम क्लिस्ट्रॉन समझने की कोशिश करते हैं। What is the basic principle of microwave tubes? Any tubes, कोई भी आप microwave tubes लीजिए आपको एक ही principle दिखाई देगा। मैंने पहले ही कहा पहले आपको क्या करना है DC जो supply है उससे आपको electron को move करवाना है, right? Electron जब move करने लगे तो इसका मतलब DC जो power था वो किस में convert हो गया, kinetic energy of what? Electron में, मतलब DC energy available जो थी वो kinetic energy of electron में convert हो गई। उसके बाद under suitable condition आपको retard करना है, किसे retard करना है इलेक्ट्रॉन को, किसकी मदद से आरएफ सिग्नल, जब आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा तो पूरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसमें चली जाएगी आरएफ सिग्नल में चली जाएगी, राइट right? तो वो है कंसेप्ट, तो यहां पर लिखा हुआ है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम अ सोर्स डीसी वोल्टेज, सोर्स डीसी वोल्टेज से पावर को ट्रांसफर करना है किसमें सोर्स एसी वोल्टेज में, मतलब आपका डीसी से किसमें ट्रांसफर हो रहा है आरएफ सिग्नल, आरएफ सिग्नल क्या है एसी सिग्नल है, लेकिन किसकी मदद से बाय मींस ऑफ करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब आ गया ना नाम इलेक्ट्रॉन का, यस डीसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा और काइनेटिक एनर्जी फिर किसमें ट्रांसफर हो जाएगी आरएफ सिग्नल में, तो ये वर्ड याद रखिएगा करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहां दो मेजर कंसेप्ट काम करते हैं, पहले होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन राइट, एंड फिर होगा आपका करंट मॉड्यूलेशन। दिस टू कंसेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, TWT, BWO एज वेल एज मैग्नेट्रॉन, राइट सब में यही कंसेप्ट होता है, पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है और फिर देन व्हाट करंट मॉड्यूलेशन होता है, राइट right? तो कैसे होता है वो हम देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट, ये है बेसिक प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं सबसे पहले टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, इसका अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फटाफट आपको सबके कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो बहुत ही तरीके से आप समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर अटेंड करना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अभी आपके हाथ में रेड बटन है आप लाइक जरूर कीजिए, राइट और हिट कीजिए बेल आइकन और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ओके कुछ भी फर्दर डाउट है आप अभी आप देख सकते हैं, राइट तो देखते हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन क्या है। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर पर, ठीक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट आपको जमाना है क्या क्या है, तो लेफ्ट टू राइट में आप सबसे पहले देखो यहां आपको दिखाई दे रहा है कैथोड, राइट उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन गन है हीटर के साथ, राइट यहां पर हम लोग सप्लाई देते हैं ताकि हीटर गर्म होगा, हीटर गर्म करके इलेक्ट्रॉन गन को करेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन बीम, उसे बोलते हैं कैथोड।
अब जब इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगी तो देखो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है ना, सब में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव सब निकल गए, तो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पता चला बीम इधर उधर भाग रही है। अब बीम को ऐसे जाना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, तो सब में एक ही जैसा चार्ज है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो बीम फैलने लग जाएगी, तो उसको फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फोकसिंग मैग्नेट। तो यहां पर ये देखिए यहां पे लगा होता है फोकसिंग मैग्नेट, राइट। तो सबसे पहले कैथोड, देन व्हाट, फोकसिंग मैग्नेट। फोकसिंग मैग्नेट के बाद अब आता है बंचर कैविटी, जो इनपुट कैविटी के नाम से जानी जाती है। यहां पर आप आरएफ सिग्नल इनपुट देते हैं, राइट, ये है बंचर कैविटी। यहां से बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो वो क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो गैप है, दैट इज गैप इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रिफ्ट स्पेस। यहां इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम बंचर टू व्हाट, कैचर कैविटी। ये तो इलेक्ट्रॉन बीम है जो बीच में से जा रही है। फिर है कैचर कैविटी, जहां से आप आउटपुट लेते हैं बाहर आरएफ सिग्नल। भाई यहां से सिग्नल दोगे एम्पलीफाई होके यहां से बाहर लोगे, तो कैचर कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट कैविटी। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कैचर कैविटी। और फाइनली इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाय व्हाट, कलेक्टर। तो आपका क्या हो गया, हीटर, फोकसिंग मैग्नेट, बंचर कैविटी, ड्रिफ्ट स्पेस, कैचर कैविटी एंड व्हाट, कलेक्टर। कलेक्टर में आप लगाते हो पॉजिटिव वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन को वहां कलेक्ट करना है और यहां ऐसा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन गन, यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, वहां फाइनली कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये और ये डीसी वोल्टेज लगाए, ओके। तो ये है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो पहला तो आप याद रखिएगा। अब वर्किंग देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये कैथोड है, ये फोकसिंग मैग्नेट्स है, ये इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है। देखो यहां पर बीम यूनिफॉर्म दिखाई दे रही है, यूनिफॉर्म। उसके बाद बीम देखो नॉन यूनिफॉर्म हो गई, यही इसका कंसेप्ट है। और ये है इनपुट और ये है आउटपुट एंड सो ऑन। अब फटाफट समझते क्या है इसका फंक्शन, व्हाट इज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज द करंट मॉड्यूलेशन। देन होता क्या है, देखिए आरएफ सिग्नल जो है उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, रेजोनेंट स्ट्रक्चर चाहिए, वो उसके अंदर ही रह सकता है। अदरवाइज अब आप यहां, अब आपके मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे बात करते हो तो एक बात बताओ, एक मोबाइल के बाद दूसरे मोबाइल पर ही क्यों सुनाई देती, बीच में क्यों नहीं सुनाई देती, कुछ भी रख लो बीच में, ये माउस रख लीजिए, इसमें भी आना चाहिए ना आवाज, राइट। चलिए आप बोलोगे सर हेडफोन नहीं है इसमें, ये नहीं है, सब चलो सब लगा लो, लेकिन आपको एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाना होगा जिस पे वो सिग्नल जनरेट हो सके, आ सके, राइट, जिस पर एग्जिस्ट कर सके। तो यहां जो है, ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये है रीइंट्रेंट कैविटीज बोलते हैं इसको। देखो इसका शेप दिख रहा होगा, रीइंट्रेंट कैविटीज। तो व्हाट इज द रीइंट्रेंट कैविटीज, रीइंट्रेंट कैविटीज जो है वो स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। इन रीइंट्रेंट कैविटीज का इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, ताकि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 pi √LC, एल और सी वेरी लो होते हैं, वेरी लो फॉर रीइंट्रेंट कैविटीज। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है रीइंट्रेंट कैविटीज का इक्विवेलेंट इंडक्टर और कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी लो, और होता ही है, राइट। उसको डिजाइन ही वैसा किया जाता है ताकि लो होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वेरी हाई। भाई हम लोग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा कैविटी रेजोनेटर बनाना पड़ेगा जिसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज की रेंज में आए, और गीगाहर्ट्ज की रेंज में तब आएगी जब उसका इक्विवेलेंट इंडक्टर और कैपेसिटेंस बहुत ही क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट। तो ये है कंसेप्ट। तो ये है रीइंट्रेंट कैविटीज, स्पेशली डिजाइंड कैविटी रेजोनेटर्स है ये। ये है एक बंचर कैविटी और ये है एक व्हाट, कैचर कैविटी। इसके बारे में मैंने मैग्नेट्रॉन में भी बताया था, मैग्नेट्रॉन इज अ 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन, जिसमें 8 एनोड कैविटीज लगी हुई थी, वो भी सब रीइंट्रेंट कैविटीज थी, स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर होता है ये, ओके। अब देखते हैं वर्किंग क्या है, पॉइंट देखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए डीसी के कारण इलेक्ट्रॉन निकला, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, 5 मिनट में आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। यहां अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला ऐसा बीम, ये है यूनिफॉर्म बीम। यूनिफॉर्म बीम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, पूरी यूनिफॉर्म है, एक जैसी है चार्ज। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज क्रॉस होंगे वो भी सेम रहेगा। तो व्हाट इज द करंट हियर, आई नॉट, आई नॉट होता है डी क्यू बाई डी टी। अगर ये बीम यूनिफॉर्म है तो ये रेट भी यूनिफॉर्म है, और रेट यूनिफॉर्म है तो ये करंट कांस्टेंट है, और अगर करंट कांस्टेंट है तो इसे बोलते हैं डीसी करंट। व्हाट इज दिस, डीसी करंट,
डीसी करंट। एक बात बताओ, जब आपने अप्लाई किया है डीसी वोल्टेज तो करंट भी कौन सा फ्लो होगा? डीसी। इज इट क्लियर? अब एक काम कीजिए, आरएफ सिग्नल को इसके साथ इंट्रैक्ट करवा दो। तो अगर आप आरएफ सिग्नल को इंट्रैक्ट करवाओगे, ये है आरएफ सिग्नल, ये भी अपना फेस चेंज कर रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम यूनिफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन बीम यूनिफॉर्म, आरएफ सिग्नल ऐसा जा रहा है, तो पूरी यूनिफॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं, यहां एक यूनिफॉर्म बीम है, इस पर आप आरएफ सिग्नल सुपर इंपोज करवाइए, ये आरएफ सिग्नल है। तो अगर यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोर्शन से टकराएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोर्शन से टकराएंगे, ठीक। पॉजिटिव पोर्शन डीसी के साथ ऐड हो जाएगा, और डीसी के साथ ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2q/m × v0। इसके साथ आपका सिग्नल ऐड हो गया, राइट। लेट आरएफ सिग्नल जो है वो आरएफ सिग्नल आपका ये है, Vs = Vm sin ωt। तो पॉजिटिव में ये ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। तो मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब एनर्जी आरएफ सिग्नल से किस में चली गई, इलेक्ट्रॉन में चली गई, राइट। सिग्नल गेट अटेन्यूएटेड। और 50 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोर्शन से टकराएंगे, 2q/m v0 - vs। आप बताइए इन 50 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से किस में ट्रांसफर हो गई, आरएफ सिग्नल में। अब बताइए पॉजिटिव हाफ में एनर्जी ट्रांसफर हो गई आरएफ टू इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव हाफ में ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रॉन टू व्हाट, आरएफ। तो व्हाट इज द नेट ट्रांसफर, यस जवाब दीजिए, व्हाट इज द नेट ट्रांसफर, फास्ट 30 सेकेंड्स, यस यस यस, व्हाट इज द नेट ट्रांसफर, जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर यूनिफॉर्म बीम अगर बनाकर रखोगे और उसको आरएफ सिग्नल से इंट्रैक्ट करवाते रहोगे तो कभी भी कोई भी नेट ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इस यूनिफॉर्म बीम को क्या बनाना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म बनाने के बाद अब मुझे बताइएगा, हिंट कीजिए कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को कहां टकराना चाहिए, व्हाट इज द फेवरेबल पॉइंट। यस, ये है फेवरेबल, ये आपका आरएफ सिग्नल। अब बताइए इलेक्ट्रॉन को किस पॉइंट से टकराना चाहिए, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को किससे टकराना चाहिए, किससे इंट्रैक्ट करना चाहिए आरएफ सिग्नल के किस पॉइंट से। तो देखिए 1, 3, 5 से अगर इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी आरएफ से किस में ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन में, तो सिग्नल अटेन्यूएट हो जाएगा। हम चाहते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किससे टकराए, या तो 2 से या फिर किससे, 4 से, क्योंकि ये है मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा रिटार्डेशन होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव है इसलिए सबसे ज्यादा सब्ट्रैक्शन होगा यहां, राइट, और उसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम हो जाएगी वहां पर। और यहां इलेक्ट्रॉन से एनर्जी पूरी किसमें ट्रांसफर होगी, आरएफ सिग्नल में। तो हम चाहते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन या तो 2 से टकराए या फिर 4 से टकराए, दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है, अगर बीम यूनिफॉर्म रहेगी तो 50 पॉजिटिव से टकराएगी, 50 नेगेटिव से टकराएगी, व्हाट इज द नेट ट्रांसफर, जीरो। तो सबसे पहले जो यूनिफॉर्म बीम है ना उसे बनाना पड़ेगा नॉन यूनिफॉर्म, राइट। यूनिफॉर्म बीम को बनाना होगा नॉन यूनिफॉर्म, वो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं, देखिएगा जरा। अब यहां पर है बंचर, ध्यान दीजिए जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये बंचर है, ये है बंचर कैविटी, और यहां पर है कैचर कैविटी, इससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां आरएफ सिग्नल होता है या फिर यहां होता है, बाकी बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाई, क्योंकि उसके लिए स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करेगा, बंचर कैविटी रेजोनेटर और कैचर, तो आरएफ सिग्नल या तो बंचर में होगा या कैचर में होगा, इंटरनली कनेक्टेड है, तो यहां यहां से हम आरएफ इनपुट देते हैं, वहां से हम आरएफ आउटपुट लेते हैं। अब पॉइंट देखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन घन है, यहां से बीम यूनिफॉर्म आ रही है, चलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले आ रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम है वी नॉट, राइट, डीसी वेलोसिटी 2q/m × v0, ये सब एक ही वेलोसिटी से यहां तक आ रहे हैं और इसके अंदर आरएफ सिग्नल है। 3 इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले आएगा वो अर्ली इलेक्ट्रॉन,
थोड़ी देर बाद आएगा वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और दो थोड़ा और बाद आएगा वो लेट इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मान लेते हैं ये हॉस्टल है और ये क्लासरूम है, ये हॉस्टल है और ये क्लासरूम है, और हॉस्टल में तीन स्टूडेंट हैं और तीनों अभी उठे हैं, राइट, और तीनों को क्लासरूम पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा, तीनों को कहां पहुंचना है, क्लासरूम, और हॉस्टल और क्लासरूम के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ओके। अब तीनों रेडी हुए, राइट, वॉशरूम एक ही है तो टाइम लगेगा, तीनों के तीनों रेडी हो रहे हैं, तो जो सबसे पहले तैयार हो गया, सबसे पहले, लेकिन याद रखिएगा क्लासरूम तीनों को एक साथ पहुंचना है, तो जो सबसे पहले तैयार हो गया, अब वो निकला यहां से, तो जो बीच का लीडर है रेफरेंस, उसको बोला भैया धीरे धीरे जाना, हम तीनों को एक साथ पहुंचना है, तुम निकल तो गए हो लेकिन धीरे धीरे चलना, राइट। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन जो निकला पहले, उसकी वेलोसिटी को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट अच्छे से समझना, इसकी जो वेलोसिटी है अर्ली इलेक्ट्रॉन की, वो लेस देन वी नॉट होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम कर दो, राइट। अब वो निकल पड़ा यहां से, आगे यहां से जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो लेस देन वी नॉट हो गई। उसके बाद जो रेफरेंस निकला, रेफरेंस जो पीछे है ना लेट, उसको बोला थोड़ा जल्दी तैयार होना, थोड़ा फास्ट आना, और अपना सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ा रेफरेंस वी नॉट। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो लेट, उसकी वेलोसिटी को क्या करना होगा, वी नॉट से ज्यादा करना पड़ेगा, भाई तीन है ना, अब अर्ली निकल गया लेस वेलोसिटी से, उसके बाद रेफरेंस निकला सेम वेलोसिटी से जो वहां से आ रही थी वी नॉट, और जो लेट निकला उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये जो सब काम किसमें हुआ, बंचर में, कैसे हुआ मैं अभी आपको समझाता हूं। अब तीनों की वेलोसिटी बदल गई, तीनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे फ्रॉम हॉस्टल टुवर्ड्स क्लासरूम। अब धीरे धीरे तीनों तीनों जैसे जैसे जाते जाएंगे, तीनों एक दूसरे को कैच करते जाएंगे। कंसेप्ट ऐसा रखिए कि जब वो कैचर के पास पहुंचे तो तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाए, राइट। अब जो तीन अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, जब तक कैचर में पहुंचे तो तीनों के तीनों इकट्ठे हो गए, और हम वही तो चाहते थे। और जैसे ही आप इकट्ठे हुए, उसी समय आरएफ सिग्नल का मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पास करवा दो वहां से। तो इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकराएगा ना, तो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन से किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमें यहां करना है, तीनों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज करना होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। व्हाट इज दिस, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। क्या आपको समझ आता है जरूरी है या नहीं वेलोसिटी को चेंज करना? अगर सेम तीनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे तो फिर तो अलग अलग ही पहुंचेंगे, दैट इज द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, राइट। और यहीं से स्टार्ट होती है बंचिंग प्रोसेस, बंच बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और बताइए बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? अब बोलोगे हॉस्टल, वो तो एग्जाम्पल था हॉस्टल, बंचर कैविटी से। तो बंचर कैविटी में वेलोसिटी मॉड्यूलेशन स्टार्ट होता है, ड्रिफ्ट स्पेस में बंचिंग प्रोसेस होती है। अब एक बात बताओ, हॉस्टल और क्लासरूम का आजू बाजू रख लो, ये लीजिए यहां से कूदे यहां आ गए, तो भाई जो अर्ली निकला हो तो पहुंचे ही जाएगा। तो बताइए ड्रिफ्ट स्पेस जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, तभी तो मूव करते जाएंगे और तब तो एक दूसरे का गैप कवर करेंगे, तो ड्रिफ्ट स्पेस इज कंपल्सरी। और बंचर से कैचर जाने में जो टाइम लगता है ना, बंचर टू कैचर, उसे बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। बंचर टू कैचर जाने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिट टाइम। दैट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम बंचर टू कैचर इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम लगा, अरे यही ट्रांजिट टाइम तो कन्वेंशनल ट्यूब का दुश्मन बन गया था, खत्म कर दिया उसको। और ये ट्रांजिट टाइम बताइए जरूरी है या नहीं है? यस जरूरी है, इनका बंच बनाने के लिए जरूरी है। अरे मूव करेंगे तब तो इकट्ठे होंगे, आजू बाजू में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? यस, तो ट्रांजिट टाइम जिसको हम कम नहीं कर पा रहे थे, जो टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए था, हमने कन्वेंशनल ट्यूब में देखा था, उसको हम कम नहीं कर सकते थे। और जब दुश्मन को हरा ना पाओ तो उसे क्या कर लो, दोस्त बना लो, राइट। तो ये कन्वेंशनल ट्यूब का दुश्मन था ट्रांजिट टाइम, और इस ट्यूब में ये दोस्त है, इसने पूरी हेल्प की है ताकि बंचिंग प्रोसेस करवाने में। तो ये था वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन बीम किसमें बदल गई, एक नॉन यूनिफॉर्म में बदल गई। तो कैसे होता है काम मैं आपको समझाऊंगा। तो जो बंचर के पास ऐसी बीम थी, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म,
कैचर के आते आते तक नॉन यूनिफॉर्म हो गई, एक ग्रुप जाएगा फिर दूसरा ग्रुप जाएगा फिर तीसरा ग्रुप जाएगा एंड सो ऑन। मतलब समझ लीजिए कि ये जैसे ग्रुप जा रहा है तो यहां और यहां आपस में इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, अभी बहुत आंदोलन चल रहे हैं वैसे भी, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा एक जत्था जा रहा है 100 किलोमीटर की जर्नी पे पहुंचना है, मार्च करना दिल्ली तक पहुंचो। उसके बाद देखिए ऐसे जा रहे हैं तो, लेकिन यहां पर देखिए बहुत देर चलने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग आपस में बात करने लगे तो जो सबसे पहले था स्लो हो गया, जो इधर था फास्ट हो गया, बीच में 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, फिर सेम चीज यहां हो गई, फिर सेम चीज यहां हो गई, राइट। तो थोड़ी देर बाद देखा कि जो यूनिफॉर्म जा रहा था तो ऊपर से आपने, आजकल तो ड्रोन हो गया, ड्रोन से देखा तो पता चला यूनिफॉर्म नहीं है, सब इकट्ठे हो गए यहां, फिर यहां इकट्ठे हो गए, फिर यहां इकट्ठे हो गए, बीच में गैप हो गया। तो जब यूनिफॉर्म जा रहे थे तो ये डीसी करंट था आई नॉट, और जब नॉन यूनिफॉर्म जा रहे थे, देख रहे हैं कैसा लग रहा है करंट, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, एकदम करंट जीरो था अचानक हाई हो गया, फिर करंट जीरो था अचानक हाई हो गया, फिर करंट जीरो था अचानक हाई हो गया एंड सो ऑन, एंड दैट करंट इज कॉल्ड व्हाट, पल्सेटिंग करंट। दैट करंट इज व्हाट, पल्सेटिंग करंट। इसका मतलब जो डीसी करंट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एसी करंट में, पल्सेटिंग मीन्स एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट इज कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन। और करंट मॉड्यूलेशन कैसे पॉसिबल हुआ, पहले हुआ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो हो गए कुछ फास्ट हो गए, उन्होंने ग्रुप बनाना चालू कर दिया, बंच बनाना चालू कर दिया, राइट। और हर एक साइकिल के साथ एक एक बंच बनता चला जाएगा, हर एक आरएफ सिग्नल के साथ, हर एक साइकिल के साथ एक एक बंच बनता चला जाएगा, आरएफ सिग्नल भी कंटिन्यूस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूस आते जा रहे हैं, और ऐसा बंच बनता चला जाएगा ये। तो डीसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एसी करंट, दैट इज कॉल्ड करंट मॉड्यूलेशन। और जो पहले वेलोसिटी चेंज किए थे दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ठीक, समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट आपके लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये है आपका सिग्नल, ये है आरएफ सिग्नल, पॉइंट अच्छे से समझिएगा। यस, अब ये है, मैंने ये बनाया, ये है आरएफ सिग्नल। यस, पूरा एक ही डायग्राम में आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहां पहला जो इलेक्ट्रॉन आया, मैं इसके एक लाइन खींच देता हूं यहां। यस, ये है बंचर कैविटी, ध्यान दीजिएगा, ये है, मैं बंचर के लिए लाइन खींचा, और ऊपर मैं एक और लाइन खींच देता हूं, ये है कैचर, ये है कैचर लाइट, ये है बंचर। आरएफ सिग्नल या तो बंचर में अवेलेबल है या कैचर में अवेलेबल है, या आरएफ सिग्नल है। देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉन आया बंचर में, मैंने उसको इंटरेक्ट करवाया मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट, और ये अर्ली इलेक्ट्रॉन था, तो जब मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर जो दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आया वो जीरो पॉइंट से टकराया, जीरो से, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी रेफरेंस। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो लेट है उसको हम इंट्रैक्ट करवा रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट से एट बंचर कैविटी, जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है बंचर कैविटी पर हो रहा है, राइट। अब क्या हुआ, अर्ली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, राइट। और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम रहेगी, और लेट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब हम क्या करें, और जब अब अगली बार इंटरेक्ट करेंगे तो या तो वो इस पॉइंट से करना चाहिए, मैंने कहा था ये रिटार्डिंग पॉइंट है, ये एक्सेलरेटिंग पॉइंट है, अगेन ये रिटार्डिंग पॉइंट है, लेट मैं इसे मान लेता हूं वन नंबर, फिर ये है टू नंबर, फिर ये है थ्री नंबर, फिर ये है फोर नंबर, वन टू थ्री फोर, इज इट क्लियर। अब जब ये बंच बनाएंगे तो जब तक आरएफ सिग्नल बंचर से कैचर में रहता है, क्योंकि दो ही जगह रहता है, या तो बंचर में या फिर कैचर में, दोनों कैविटी रेजोनेटर में ट्रेवल कर रहा है, राइट। अब और कोई बीच में ट्यूब में नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट ही नहीं करता, याद रखिए, या तो बंचर में या फिर कैचर में। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम बंचर से कैचर में पहुंचेगी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो देखिएगा ये पॉइंट हम अगर चूज करते हैं, ये पॉइंट, तो देखिए मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आया आपका अर्ली इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट अर्ली इलेक्ट्रॉन, लेस देन व्हाट वी नॉट, क्योंकि इसने इसको रिटार्ड कर दिया। फिर दूसरा आपका आया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है। और तीसरा जो आएगा वो है आपका लेट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, ग्रेटर देन हो गई वी नॉट, यहां है इक्वल टू वी नॉट, ये तीन इलेक्ट्रॉन।
और जब तीनों पहुंचे तो बंचर से लेकर कैचर में तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया? अर्ली इलेक्ट्रॉन ने। हॉस्टल और क्लासरूम वाली कहानी याद रखिए, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। फिर सबसे कम टाइम किसको मिला? लेट इलेक्ट्रॉन को। और तीनों जैसे पहुंचे तीनों ने एक बंच बना लिया, एक साथ पहुंचे, और उस समय आरएफ सिग्नल किस पर है? अपने मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पर। तीनों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी और पूरे की पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से किस में ट्रांसफर हो जाएगी? आरएफ सिग्नल में, एंड सिग्नल गेट एम्पलीफाइड। ये है कंसेप्ट, एंड दैट इज द आरएफ सिग्नल। ओके, तो किस किस से टकराना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट से टकराना चाहिए आपको? या तो वन से, या फिर टू से, या फिर थ्री से, या फिर फोर, एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उससे, तो देखिए जरा, अब मैं आपको ये बता दूं, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसमें कितना फेस चेंज हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा। तो रेफरेंस को आप मान लो ये रेफरेंस है यहां, राइट। उसके बाद ये है पॉइंट वन, उसके बाद है ये पॉइंट टू, उसके बाद है ये पॉइंट थ्री। अब रेफरेंस से अगर आप इसे कंपेयर करोगे, तो यहां से लेकर यहां तक पहला, फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा, और रेफरेंस से ही यहां से लेकर यहां तक ये तीसरा, ठीक। या तो आप फर्स्ट पॉइंट चूज करोगे, या फिर सेकंड पॉइंट चूज करोगे, या फिर थर्ड पॉइंट चूज करोगे। यहां पर इंटरेक्शन हुआ था बंचर में, अब अगली बार इंटरेक्शन होने वाला है कैचर में, जहां पर तीनों बंच बना लेंगे। और हम चाहते हैं कहां पर इंटरेक्शन हो? मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पर, या तो वन पर, या फिर टू पर, या फिर थ्री पर, राइट। तो देखते हैं जरा, अगर वन पे इंटरेक्शन हुआ तो क्या होगा? तो देखिए, यहां से रेफरेंस से कितना साइकिल इसने कंप्लीट किया, ध्यान देना, ये आधा साइकिल हो गया और ये हो गया। अगर मैं इसमें हाइलाइटर चलाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से यहां तक ये कितना साइकिल हुआ? हाफ, एंड व्हाट? 1/4, 3/4 साइकिल। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इट इज अ 3/4 साइकिल, राइट, 3/4 साइकिल। सिमिलरली आप यहां से यहां तक पूरा जाएंगे, तो आप देखिए पूरा एक साइकिल और फिर 3/4, तो ये हो गया 1:3/4। सिमिलरली इसे बोलेंगे 2:3/4, राइट। नेक्स्ट, तो आप कौन सा रिटार्डिंग पॉइंट चूज करेंगे उसके हिसाब से आप बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर आपने इसे चूज किया तो इसे बोलेंगे 3/4 मोड, इसे चूज किया तो 1:3/4, अगला चूज करोगे तो 2:3/4 मोड साइकिल रेफरेंस के बाद। तो ये आपको इस क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज द मोड? 3/4, 1:3/4 और 2:3/4। अब इसको लिख कैसे सकते हैं? जनरलाइज अगर करें तो मोड ऑफ ऑपरेशन दो तरीके से है। देखो, एन अगर वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कैपिटल एन से, तो कैपिटल एन हो गया 3/4 और व्हाट? 1:3/4 और व्हाट? 2:3/4 और व्हाट? 3:3/4, एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं इसे लिखूं ओल नंबर में, तो मैं इसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एन को मैं लिख सकता हूं n-1/4, वेयर एन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, एंड सो ऑन, राइट। एन 1-1/4 इज व्हाट? 3/4, एंड सो ऑन। तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। इसे बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, किस मोड पे कौन सा रिटार्डिंग पॉइंट आप चूज कर रहे हो। ओके, अब पॉइंट ध्यान देना, कितना फेस चेंज हुआ? एक साइकिल में फेस चेंज होता है 2π, तो ये है ट्रांजिट साइकिल, इसे बोला जाता है ट्रांजिट साइकिल। ट्रांजिट साइकिल का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम बंचर टू कैचर, तो बंचर में होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और कैचर में एनर्जी का ट्रांसफर होना है, तब तक आरएफ सिग्नल ने अपना कितना फेस चेंज किया। तो मैंने कहा था आरएफ सिग्नल को अपना फेस चेंज करते हुए कहां पहुंचना होगा? अपने मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पर आना होगा। तो आरएफ सिग्नल ने कितना फेज चेंज किया? तो भाई जितना साइकिल है, एक साइकिल में कितना फेस चेंज होता है आप ही बताइए, 2π, तो कितना साइकिल चेंज किया? इतना, 3/4, या फिर 1:3/4, या फिर 2:3/4। तो जितना उसने साइकिल चेंज किया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट साइकिल, और जितना वो एंगल चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट एंगल। एंड व्हाट इज ट्रांजिट टाइम? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम बंचर टू कैचर। इसी टाइम में तो आरएफ सिग्नल को अब यहां से निकलकर सीधा कहां तक पहुंचना है? अपने मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट तक, राइट। तो बताइए साइकिल कितना चेंज हो गया? साइकिल तो हो गया, व्हाट इज द ट्रांजिट एंगल? ट्रांजिट एंगल थीटा इज गिवन बाय
n into what 2 pi, और n आप यहां से ले सकते हो, और अगर आप small n यूज करोगे ये वाला तो हम बोलेंगे n minus 1 by 4 into what 2 pi. एक साइकिल में 2 पाई का चेंज होता है तो इतने में कितना चेंज होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n पाई माइनस व्हाट पाई बाय 2. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट. तो यार याद रखिएगा व्हाट इज दैट, व्हाट शुड बी द ट्रांजिट एंगल फॉर मैक्सिमम गेन, तो ये है आंसर 2n पाई माइनस पाई बाय 2, राइट. एंड मोड ऑफ अगर ऑपरेशन पूछता है तो ये 1:3 एंड सो ऑन, राइट. अब बस लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर ये पहला पॉइंट चूज करता है तो इसे बोलेंगे अर्ली मोड, ये है मीडियम मोड, और लास्ट में अगर पॉइंट चूज करता है तो लेटर मोड, राइट. तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, इसका ध्यान रखिएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2. अब आपका जो डीसी करंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसी करंट में कन्वर्ट हुआ. बताइए लास्ट आप कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ये पूरे एक घंटे की क्लास हो गई, राइट. ये है आपका, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट आपका रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में भी यूज होगा, यस. तो पहला जैसे क्वेश्चन आपका आएगा तो देखिए, क्लिस्ट्रॉन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लिस्ट्रॉन ऑपरेशन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन. व्हाट इज आंसर, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. तो पहला ध्यान रखिएगा. दूसरा, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट साइकिल, जैसा कि अभी मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट साइकिल्स इन द ड्रिफ्ट स्पेस ऑफ द टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर, आउटपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर. यहां पर n जो है ना, वो जो स्मॉल n हमने यूज किया था ना, वो उसकी बात कर रहा है. तो अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द चेंज इन द साइकिल, एन माइनस वन बाई फोर, तो उसको उसने यहां कैपिटल एन से लिख दिया, तो एन माइनस वन बाई फोर. व्हाट इज द फेस चेंज, इसको आप टू पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी हमने देखा था टू पाई, तो ये हो जाएगा टू एन पाई माइनस व्हाट पाई बाई टू. लेकिन आपको दिख रहा है क्या कोई आंसर ऐसा, नो. लेकिन इसका अपोजिट दिख रहा है पाई बाई टू माइनस टू एन पाई, ये आंसर. अब मैं आपको इसका जवाब दे दूं, बताइए आपने यहां पर बंचर में आरएफ सिग्नल लगाया, वोल्टेज पहले लगाया, इसके कारण जो यूनिफॉर्म बीम थी, मतलब जो यूनिफॉर्म करंट था आई नॉट, वो कैचर में आते आते तक क्या बन गया, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब पल्सेटिंग करंट बन गया, राइट. तो क्या तुरंत बन गया, नहीं, आपने पहले वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज ने क्या बनाया, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. उसके बाद यूनिफॉर्म बीम किस में बदल गई, नॉन यूनिफॉर्म में बदल गई, और नॉन यूनिफॉर्म के बाद जो आपका डीसी करंट था वो एसी करंट में बदल गया. इसका मतलब वोल्टेज आपने पहले अप्लाई किया और उसका जो रिजल्टेंट करंट है वो बाद में आया, इसका मतलब करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज. तो अगर ये लैग्स बिहाइंड है तो ये एंगल नेगेटिव में आ गया क्योंकि लैग कर रहा है. तो घुमा, आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज, इनपुट सिग्नल आप यहां लगाते हो, और आउटपुट करंट ऑफ द एम्पलीफायर, आउटपुट आप कैचर कैविटी से लेते हो. कैचर याद रखिएगा आउटपुट कैविटी है और बंचर जो है इनपुट कैविटी है. ओके, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज व्हाट, ए. ऐसे ही बहुत सारे हम क्वेश्चन बनाएंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बंचिंग प्रोसेस इन द क्लिस्ट्रॉन. बंचिंग ऑकर्स इन टू कैविटी एम्पलीफायर, राइट और रॉन्ग, यस राइट. बंचिंग ऑकर्स इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, सेम कंसेप्ट है, उसमें भी होता है. बंचिंग ऑकर्स इन रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, यस, तीनों का प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल एक जैसा ही है. तो व्हाट इज द आंसर, 1, 2 एंड 3, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट. ये इसरो में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, द ट्रांसमिट टाइम, दैट इज द ट्रांजिट टाइम इन द रिपेलर स्पेस ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन मस्ट बी n:3/4, सेम कंसेप्ट. आपको मैंने आपको बताया था ना मोड कितना कितना आंसर आता है, 3/4, 1:3/4, 2:3/4 एंड सो ऑन. आप बताओ 3/4 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप बताइए, 1 - 1/4 लिख सकते हो, यस yes. और ये भी तो लिख सकते हो 0 + 3/4. तो आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, n - 1/4 और n + 3/4. n की वैल्यू यहां आप स्टार्ट कीजिए 1, 2, 3, 4, और यहां स्टार्ट कीजिए n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, आंसर सेम आएगा.
अगर आप यहां 1 से स्टार्ट करेंगे 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, अगर यहां 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 प्लस 3 बाई 4 इज व्हाट 3 बाई 4 एंड दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए द ट्रांजिट टाइम इन द रिपेलर स्पेस ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन मस्ट बी एन प्लस 3 बाई 4 साइकिल टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द गैप वोल्टेज ऑन देयर रिटर्न जर्नी। रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन गिव एनर्जी टू द गैप ऑसिलेशंस, इट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द कैविटी रेजोनेटर। The repeller is not damaged by the striking electron, no return. बस इन सब को मैनेज करने का क्या मतलब है मोड, ताकि जब इलेक्ट्रॉन बंच बनकर आए वापस तो अपनी पूरी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दे, RF सिग्नल को ट्रांसफर कर दे। ये रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन्स गिव एनर्जी टू द व्हाट गैप ऑसिलेशन, उस जो गैप में जो RF ऑसिलेशन है ना उसमें एनर्जी क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अभी हमने रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन पढ़ा नहीं है लेकिन मैं इसके कंसेप्ट से बता रहा हूं, अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन देखेंगे, TWT देखेंगे एंड BWO। इस कंसेप्ट को समझाने में टाइम लगा, वहां कोई टाइम हमको नहीं लगने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए आप। वहां थोड़ा बहुत हम गन डायोड के बारे में भी देखने वाले हैं। जब तक आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, फिर से वही वर्ड यूज किया है 2:3/4 मोड, अगर आपको साइकिल समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्रांजिट टाइम है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको बस निकालना है ट्रांजिट टाइम, वो ट्रांजिट एंगल दिया हुआ है राइट। तो ट्रांजिट एंगल से ट्रांजिट टाइम, साइकिल दिया हुआ है, इतने साइकिल पूरे हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी निकालनी है, बहुत इजी है, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे बनवाता हूं, इसरो का क्वेश्चन है ये, हम TWT पढ़ने के बाद बनाएंगे राइट। इसमें भी हम बताएंगे कि क्या होता है, पावर एम्पलीफायर कौन से हैं, ये हम मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वैसे मैं बता चुका हूं, व्हाट इज द क्रॉस फील्ड डिवाइस स्ट्रक्चर, मैग्नेट्रॉन। क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग मैग्नेट्रॉन में पढ़ चुके, जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखा है मैग्नेट्रॉन पर जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फेस फोकसिंग इफेक्ट किसमें होता है, फेस फोकसिंग इफेक्ट पूरा मैग्नेट्रॉन की क्लास में आपको मैंने बताया, इन मैग्नेट्रॉन फेस फोकसिंग इफेक्ट दैट इज इन व्हाट, मैग्नेट्रॉन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है राइट ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन की बात है इसमें, और इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सा माइक्रोवेव सोर्स है ये। जब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, मैच द फॉलोइंग कीजिए आप, पूरी बातें हो चुकी हैं, मैच कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है पूरे मोटिवेशन के साथ तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, आपके लिए ही बनाया जा रहा है, आपकी डिमांड आई है माइक्रोवेव पर वीडियो आना चाहिए। हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और यूज कीजिए माय कोड राठी लाइव फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक डियर